माँ बनना किसी भी महिला के लिए एक सौभाग्य माना जाता है, फिर चाहे वो महिला बॉलीवुड अभिनेत्री ही क्यों ना हो। हर एक के मन में माँ बनने की ख्वाहिश जरूर होती है और बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी ही अभिनेत्रियां हैं। उन्होंने अपनी उम्र की एकदम परफेक्ट एज में माँ बनने का ये सुख प्राप्त किया है और आज माँ बनकर अपने बच्चों के साथ काफी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से कई अभिनेत्रियां ऐसी भी रही हैं जिन्होंने अपनी काफी उम्र बीत जाने के बाद माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, कई अभिनेत्रियां अपनी बड़ी उम्र में माँ बनी हैं और आज हम आपको उन्हीं से रूबरू कराने वाले हैं। तो आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो अपनी काफी लंबी उम्र के बाद माँ बनी, चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन्हीं अदाकाराओं के बारे में। नंबर वन, ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा साथ ही मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले है, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। बता दें, ऐश्वर्या राय अपनी शादी के 4 साल बाद मां बनी थी। अब ऐश्वर्या राय 48 साल की हो चुकी है और उनकी बेटी आराध्या 8 साल की हो गयी है। नंबर टू, माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धक धक गर्ल और डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की थी। माधुरी 37 साल की उम्र में मां बनी और बाद में 39 साल की उम्र में उनका दूसरा बच्चा हुआ। माधुरी अब 53 साल के हो चुके हैं। उनका बड़ा बेटा आर्यन 17 साल का और छोटा बेटा रेहान 15 साल का हो गया है। नंबर थ्री, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने 2014 में शादी रचाई थी और 38 साल की होने पर उन्होंने अदीरा को जन्म दिया। वह हमेशा अपनी बेटी की बहुत रक्षा करती हैं और अपनी बेटी को लाइमलाइट से काफी दूर रखती हैं। अब रानी 40 साल की हो गई हैं और बेटी अदीरा 5 साल की हो चुकी हैं। नंबर फोर, काजोल। अब बात करते हैं बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अभिनेत्री काजोल की, जिन्होंने बॉलीवुड के हैंडसम अभिनेता अजय देवगन से साल 1999 में शादी रचाई थी और शादी के 4 साल बाद साल 2003 में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम न्यासा देवगन है। नंबर फाइव, फरहा खान। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर कोरियोग्राफर फरहा खान ने साल 2004 में खुद से 8 साल छोटे डायरेक्टर सुरेश कुंद्रा से शादी रचाई थी। फरहा खान 43 साल की उम्र में मां बनी थी। इन्होंने इस उम्र में ट्रिपल्स को जन्म दिया था। वो IVF प्रक्रिया के द्वारा मां बनी थी। फरहा खान अब 54 साल की हो चुकी है जबकि उनके बच्चे 12 साल के हो गए हैं। फरहा खान अक्सर अपने बच्चों के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करती नजर आती है। तो दोस्तों, बॉलीवुड की बड़ी उम्र में मां बनने वाली अभिनेत्रियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।